नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल के डंके की चोट कार्यक्रम में मैं राहुल आर्य का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुस्लिम हिंदुओं के सामने एक सवाल खड़ा करते हैं कि आप तो मूर्ति पूजक हो, आप तो बुत परस्ती करते हो, और वो अपने आप को मूर्ति भंजक बताते हैं, मूर्तियों को तोड़ने वाला बताते हैं। इस्लाम से ही मैं उद्धरण प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार से मुस्लिमों में मूर्ति पूजा, पाषाण पूजा और कब्र पूजा हिंदुओं से भी ज्यादा है। तो किस मुंह से ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो किस प्रकार से अपनी ये बात करें, इस्लाम से ही उद्धरण प्रस्तुत करूंगा। जाकिर नाइक जैसों के मुंह पर करारा तमाचा हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस्लाम में कुरान के अलावा हदीसों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हदीसों से ही ये सारी परंपराएं, जो तीन तलाक वाली, बुरका पदा और बहुत सारे इनके कानून शरीयत के लाए हदीसों से ही लागू होते हैं। तो एक हदीस है तफसीर कादरी में पारा एक और पृष्ठ 116 पर मक्का के शहर के बारे में इतिहास की एक बात आई है। मक्का में 360 मूर्तियां हुआ करती, 360 बुत हुआ करते थे, जिनमें से 358 बुतों को जो मुस्लिम है इन्होंने तोड़ दिया था। दो बुतों को वहां पर रखा गया था। दो बुतों में से हजरे असबद एक बुत था और दूसरा बुत था मुकामे इब्राहिम। हजरे असबद मुक जो आज भी आप देखते होंगे, जिसके चारों तरफ परिक्रमाएं करके आते हैं हज यात्री, जो हज यात्री होते हैं उनको उसके चारों तरफ परिक्रमाएं करनी होती है, उसको उस पत्थर को बोलते हैं हजरे असबद। हजरे असबद और दूसरा मुकामे इब्राहिम, जिस पर इब्राहिम ने खड़े होकर चार दीवारी वहां पर की थी मक्का की, जो वहां पर मंदिर हुआ करता था उसकी, उसको कहते हैं मुकामे इब्राहिम। ये दो वहां पर बुत छोड़े गए थे, और इस दो बुतों को इसलिए छोड़ा गया था, इनको मोहम्मद की जाति के देवता कहा गया था, इसीलिए इन दोनों को छोड़ा गया था। ये याकूत थे, याकूत मतलब मोहम्मद जाति के देवता इनको माना गया था। ये तफसीर कादरी इनका हदीस है, उसका पारा एक में पृष्ठ 116 पर यह बात आई है। तो अन्य अन्य प्रकाशकों में पृष्ठ बदल सकते हैं, पारा एक आप ढूंढ सकते हैं। तफसीर कादरी के अलावा ये बात यहां से स्पष्ट हो जाती है कि मुस्लिमों में पाषाण पूजा हिंदुओं से भी ज्यादा है। अब इसे एक बात समझिए, कैसे जो हजरे असबद है, जो पत्थर है जिसके चारों तरफ सात परिक्रमाएं की जाती है, वो परिक्रमाएं एक नहीं की गई, दो नहीं की गई, तीन नहीं की गई, पांच नहीं की गई, आठ नहीं की गई, सात ही क्यों? क्योंकि वैदिक धर्म में सप्तपदी कहा जाता है, इसे सप्तपदी किया करते हैं इस प्रकार से। तो इन्होंने वैदिक धर्म तो बहुत प्राचीन है, तो वैदिक धर्म से मैं मानता हूं कि सप्तपदी की अवधारणा वहां से आई है। हज शब्द भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे व्रज शब्द से लिया गया। व्रज शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत का शब्द है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ट्रेवल करना। और हज यात्री भी एक स्थान से अपने अपने देशों से हज मक्का की तरफ ट्रेवल करते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अर्थात हज शब्द व्रज शब्द का ही अपभ्रंश है, अर्थात उसी में त्रुटि होकर हज शब्द बना है। अब जो हजरे अफजद जो पत्थर है जिसके चारों सप्तपदी की जाती, सात बार यात्रा की जाती है, चारों तरफ उसकी परिक्रमा की जाती है, वो हजरे अफजद में जो सात तारे हैं उनकी बड़ी सुंदर प्रतिमाएं हुआ करती थी, उनमें से एक प्रतिमा चांद की हुआ करती थी, आज भी वहां पर उपलब्ध है। चांद की प्रतिमा बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, इसीलिए उस स्थान का नाम था महकाह। चांद की प्रतिमा अत्यंत सुंदर थी, वहां जितने भी तारे थे, और महकाह से महका बना और महका से मक्का बना। ये ऐसा ही समझ लीजिए जैसे पूना से पुणे हो गया, पांडिचेरी से पुदुचेरी हो गया, बॉम्बे से मुंबई हो गया, कलकत्ता से कोलकाता हो गया, बड़ौदा से वडोदरा हो गए, नाम ऐसे ही बदलते रहते, इसी प्रकार से मक्का नाम भी इसी प्रकार बदला है। मूल रूप से जहां आज मक्का है, यहां पर भारतीय ज्योतिष का वहां तक दूर दूर तक हम फैले हुए थे, बहुत बड़ा एक वहां पर केंद्र स्थापित था, जिसमें ज्योतिष अर्थात भूगोल की सभी तारे की गणना, पृथ्वी और सूर्य की जितनी भी चीजें थी वो सारी वहां से संचालित होती, बहुत बड़ा एक केंद्र था। वहां पर आक्रमण हुआ और आक्रमण के बाद उन बुतों को, जिनसे ज्ञान विज्ञान की परंपरा थी, उन बुतों को पूजा नहीं जाता था, उनको बनाने के पीछे एक तरीके से जो पुस्तकों में चीज होती है, वो पुस्तकों में वहां प्रैक्टिकल बुत बनाकर, मूर्तियां बनाकर वो चीजें समझाई गई थी, तो उनको तोड़ दिया गया था, केवल दो बुत ही रखे थे। तो ये मूल रूप से अवधारणा है और ये अनुमान प्रमाण है। इसका तो मैंने प्रमाण दिया हदीस से, जो तफसीर जो है तफसीर कादरी हदीस से, कि वहां पर मुस्लिमों में बुत परस्ती होती है, आज भी होती है, अर्थात मूर्ति पूजा है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, आज ज्योतिष का बहुत बड़ा केंद्र था, ये अनुमान प्रमाण है। प्रमाण आठ प्रकार के होते हैं, तीन प्रमाण मूल होते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक होता है अनुमान प्रमाण, जो सबसे बड़ा है। जैसे कहीं से आप धुआं देख रहे हो तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि वहां आग जरूर है, बिना आग के धुआं नहीं निकल सकता,
इसीलिए इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण यह कहता कि वहां ज्योतिष का बहुत बड़ा केंद्र था, जिस प्रकार से तफसीर कादरी में इनका इतिहास इन्होंने बताया और अन्य ग्रंथों में भी यह देखने को मिलता है। यह मूल अवधारणा थी। दूसरा दोस्तों कबर पूजा। कबर पूजा में आते हैं, जो कबर पूजा मुस्लिमों में बहुत ही भयंकर है। तो इससे जहां तक मेरा अनुमान है, मेरे पास जो अभी है, हजरत मोहम्मद ने एक बार आदेश दिया था, आप इसमें देख सकते हैं, मन हजल बैता लमया जुरती फकद जफानी, जिसने काबा का हज किया और मेरी जियारत दर्शन न की उसने जुल्म किया। अर्थात जिसने काबा तो कर लिया, हज तो कर लिया, लेकिन मेरी जियारत नहीं की, जियारत कहते दर्शन नहीं किए, उसने जुल्म किया, उसने पाप किया बहुत बड़ा, ये हजरत मोहम्मद कहते हैं। लोगों ने पूछा, या हजरत जब आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो फिर आपकी जियारत कैसे करेंगे? फिर लोगों ने पूछा कि जब आपको मृत्यु आएगी, आप मर जाओगे, तो फिर हम आपके दर्शन कैसे करेंगे, फिर जियारत कैसे करेंगे? तब मोहम्मद साहब कहते हैं, मन जारा कबरी माता मौती के अन्नमा जारनी फिल हयाती, चेहल हदीस, मुस्लिमों की हदीस है, उसी से ये बात ले रहा हूं मैं, आप देख रहे हैं नीचे, जिसने मेरे मरने के पीछे मेरी कबर की जियारत की, अर्थात जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी कबर की जो जियारत करेगा, दर्शन करेगा, कि गोया कि उसने ऐसा किया है, उसने मेरी जियारत की, दर्शन की, मेरी जिंदगी में ही किए, इस प्रकार से इसने बताया है, मेरी कब्र की जियारत ऐसी है, उसने मेरी जिंदगी में जियारत कर ली, अर्थात मेरी कब्र की जो जियारत कर लेगा, समझ लीजिए उसने मेरी जियारत कर ली। ये मोहम्मद कहते हैं। अब इसको कब्र पूजा ही तो कहते हैं, यही तो है कब्र पूजा। एक व्यक्ति जब नहीं है, उसके बाद उसकी कब्र को पूजना, इसी को कब्र पूजा कहते हैं। नहीं तो मोहम्मद ये कहता कि मेरे मरने के बाद जो मेरे आदर्श है, मेरे सिद्धांत है, मेरी विचारधारा है, मेरी शिक्षाएं हैं, उन पर आप जियारत लेके आना, उनके दर्शन करना, ये नहीं कि मेरी कब्र पर जाकर आप जो है जियारत करने लग जाना। तो यहां पर यही बात मैं आपको समझाना चाहता था कि हिंदुओं से ज्यादा, हिंदुओं पर जो प्रश्न खड़ा करते हैं, मैं मानता हूं आज के बाद किसी में हिम्मत नहीं रहेगी हिंदुओं की तरफ इस प्रकार का प्रश्न उठाए, और यदि उठाता है तो हिंदुओं के पास ये एक वीडियो हो गई है, इसमें बहुत सारे तथ्य हो गए हैं और इसको कोई झुठला नहीं सकता, सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम कभी भी प्रमाण सहित बात करते हैं, प्रमाण से रहित होकर कभी भी थैंक्स बात यूट्यूब चैनल और थैंक्स बात परिवार कभी भी बात नहीं करता प्रमाण से रहित होकर। ये मूल हमारे पास से जो प्रमाण थे, इस प्रकार से मैंने अनुमान प्रमाण लगाया है। इनमें दो चीजें तो सत्य है कि मुस्लिमों में कब्र पूजा है और उनमें बुत परस्ती भी है, मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा है, और अन्य अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण होता है, जिन चीजों के प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत कम चीजों के संसार में देखने को मिलते हैं, अनुमान प्रमाण बहुत बड़ा प्रमाण है। आपको यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आपका अपना YouTube चैनल थैंक्स बाद इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।